कफल टूटा खुदा कर करके। कोरोना के बढ़ते केसेस, हुकूमत ने एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला कर लिया। मास्क का इस्तेमाल लाजिम, कारोबारी तबकात को कवायद जवाबित का पाबंद बनाया जाएगा। खिलाफ वर्जी की सूरत में माफी बहाल, बड़े जुर्माने होंगे। घर से निकलना है तो मास्क पहनना है। पंजाब और सिंध के बाद खैबर पख्तूनख्वा ने भी सरकारी दफातर में मास्क के बगैर दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली बड़ी मार्केट्स को भी बंद करने का फैसला। वतन अजीज कोरोना केसेस की तादाद में चीन से भी आगे बढ़ गया। 50,200 से जायद अफराद शिकार, 1,700 से जायद जान की बाजी हार गए। 4,688 नए मरीज रिपोर्ट, आलमी कोरोना रैंकिंग में पाकिस्तान का 17वां नंबर। अवाम की खुशी देखी ना गई, पेट्रोल सस्ता हुआ तो माफिया का खुफिया हाथ फौरी हरकत में आया। ऐसा खेल रचाया कि पेट्रोल नया भी हो गया। ओगरा का नोटिस भी कुछ काम ना आया। और पुलिस तहवील में जॉर्ज फ्लाइट की हलाकत ने सियाफाम कम्युनिटी को बेदार कर दिया। अमरीका को बदलने का मौका मिल गया। साबिक सदर बराक ओबामा कहते हैं मुल्क गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है, हक की खातिर मिलकर आवाज उठाना होगी।